हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेई मेंस की एग्ज़ाम्स की डिटेल्स के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जेई मेंस की पेपर फर्स्ट की डिटेल्स क्या होती है, पेपर सेकेंड की डिटेल्स क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसको पढ़ने के बाद आप अच्छे नंबर ला सकें, कौन कौन से कॉलेज जेई मेंस की एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं, स्टूडेंट की कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इसमें बताए हुए हैं, और इसका एग्ज़ाम कैसा फिल करा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले इसके पेपर फर्स्ट की डिटेल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेई मेंस की एग्ज़ाम दो पेपर्स के लिए होती है। पेपर फर्स्ट जो कि बी टेक स्टूडेंट के लिए होता है, पेपर सेकेंड जो बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग के लिए होता है। अब आप जानेंगे कि पेपर फर्स्ट की डिटेल्स क्या होती है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेपर फर्स्ट की डिटेल्स के बारे में। जेई मेंस का एग्ज़ाम या पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्हें 11th 12th में PCM से पास किया है या 12th PCM से पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट बी टेक के लिए होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। इसमें PCM आता है, 11th का 40% होता है और 12th का 60%। इसमें 11th 12th के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए 360 नंबर्स का इसका पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 360 नंबर का इसका एग्ज़ाम होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको पूरे 4 नंबर मिलते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स माइनस मार्किंग के कारण 1 मार्क्स इसमें कट जाता है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं और 360 नंबर का पेपर होता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एक नंबर माइनस मार्किंग में कट जाता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, एक बार जनवरी में होती है, एक बार अप्रैल में होती है। जनवरी के फॉर्म दिसंबर के एंडिंग में भराते हैं और अप्रैल के लिए फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक में भराते हैं। कैंडिडेट कोई भी स्टूडेंट ये दोनों टाइम में फॉर्म भर सकता है या एक बार फॉर्म भर सकता है। जेई मेंस के थ्रू 31 NIT के कॉलेज मिलते हैं, 25 IIT के कॉलेज मिलते हैं, 28 GFTIS कॉलेज मिलते हैं। ये 3 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होती है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती है। बहुत स्टूडेंट जो 12th पढ़ रहे हैं या 12th पास कर चुके हैं मैक्सिमम 3 टाइम तक इसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बी 12th आफ्टर 12th। इसके लिए बेटर स्कोर दोनों एग्ज़ाम में आपने जिस इसका अच्छा स्कोर आता है, हो सकता है कि अप्रैल की एग्ज़ाम का आपका स्कोर कार्ड अच्छा है, हो सकता है कि आपके जनवरी के एग्ज़ाम का अच्छा कार्ड है, जिसकी भी दोनों एग्ज़ाम से जो अच्छा स्कोर कार्ड आता है आपका, उसके अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाता है। इसके जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो स्टेट की बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे इसके सेंटर होते हैं। मैं एमपी की बात करता हूँ, एमपी में इसके सेंटर जैसे इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, ऐसे बड़ी बड़ी सिटी में इसके सेंटर्स होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड पेपर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इससे भी आप इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि पेपर फर्स्ट की डिटेल्स क्या है, इसके बारे में बताया हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है। पेपर फर्स्ट के सिलेबस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स में 11th 12th का मैथ्स आता है, 40% 11th का सिलेबस होता है, 60% 12th का होता है, जिसका फर्स्ट चैप्टर सेट है जो कि 11th क्लास का चैप्टर होता है, सेकेंड रिलेशन फंक्शन जो कि 12th क्लास का चैप्टर होता है, तीसरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये भी 11th क्लास का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 12th क्लास का चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको जेई मेंस की एग्जाम मिलेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी आपका 11th क्लास का चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल जेई मेंस की एग्जाम में आता है, सिक्वेंस एंड सीरीज जिसमें आपने पढ़ा होगा, AP GP HP AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, डिफ्रेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हार्डर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने प्लेन, स्ट्रेट लाइन के दोनों क्वेश्चन आते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी आते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है, जिसमें आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग ये 11th क्लास का चैप्टर बुक का सबसे एंडिंग वाला चैप्टर होता है। मैक्सिमम स्कूल कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट इसको चैप्टर को स्किप कर देते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि
ये चैप्टर 11th में तो काम का नहीं होता है, पर जेई मेंस की एग्जाम में हर साल इसका एक क्वेश्चन पक्का बैठता है। इसको बूलियन अलजेब्रा ही बोलते हैं। इसके क्वेश्चन उसी टाइप से होते हैं जैसे आपने फिजिक्स में लॉजिक गेट्स वगैरह के क्वेश्चन देखे होंगे, उसी टाइप से टोटोलॉजी कंट्राडिक्शन के इसमें क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पर भी आपको अच्छी कमांड रखना चाहिए, क्योंकि ये इसके जो फॉर्मूले हैं क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और वो आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में काम आते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको ऐसा कैसा डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और मैथ्स की एग्जाम के लिए, मैथ्स के लिए आपको आरडी शर्मा की वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड की बुक्स पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की जो दोनों वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड 12th क्लास की बुक 11th क्लास की बुक भी सफिशियंट है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। एक अरियंत की बुक भी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगर फिर भी आपको कुछ कमी लगे तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखें, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में। आइए अब जानते हैं फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर दो सेक्शन में इसके सिलेबस को डिवाइड किया है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 80% वेटेज होता है, सेक्शन बी का प्रैक्टिकल बेस्ड होता है जिसका 20% वेटेज होता है। इसके अंदर भी 11th 12th का फिजिक्स आता है, 11th का 40% सिलेबस होता है और 12th का 60% सिलेबस होता है। पहला जो यूनिट है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, सेकंड होती है काइनेमेटिक्स, थर्ड होती है लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब आ जाता है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसके अंदर एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपीएन, जेनर डायोड, एलसीआर सर्किट, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जिसका वेटेज 20% होता है। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के अंदर आपने जैसे मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर्स क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, बीटी स्टोन ब्रिज क्या होता है, प्रैक्टिकल पोर्शंस के जो क्वेश्चन रहते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस था, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स के लिए जेई मेंस की एग्जाम के लिए फिजिक्स की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स काफ़ी अच्छी बुक्स है जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप आराम से अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और पीसीएम का जो स्टूडेंट होता है वो मैथ्स और फिजिक्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स उसका स्ट्रॉन्ग पोर्शंस होता है। अब आइए मैं आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताता हूँ। केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसको तीन सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों का इक्वल वेटेज होता है। सेक्शन ए में फिजिकल केमिस्ट्री आती है जिसके अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब सेक्शन बी के बारे में जानते हैं। सेक्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये बी ब्लॉक सेक्शन बी का है। अब सेक्शन सी के सिलेबस के बारे में जानते हैं। सेक्शन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है जिसके अंदर प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस था जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, मैंने वहाँ पे पूरा डाला हुआ है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पेपर टू बी आईआईटी, एनआईटी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। इसमें भी पीसीएम वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। पेपर टू की जो एग्ज़ाम होती है बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग के लिए होती है। ये जो एग्ज़ाम होती है दो पार्ट में होती है। बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग की जो एग्ज़ाम होती है टू पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। पार्ट फर्स्ट में मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का पेपर होता है जो कि ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पार्ट सेकंड का जो पेपर होता है वो ड्राइंग का पेपर होता है जो कि ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। इसके अंदर एज लिमिट ये तीन टाइम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिट 12th, आफ्टर 12th, आफ्टर 12th। इसके अंदर स्कोर कार्ड ये भी दो बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, जनवरी और अप्रैल में, जिसमें से भी जो भी आपका बेस्ट स्कोर कार्ड होता है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट पे आपको एडमिशन मिल जाता है।
इसके अंदर भी एग्ज़ाम सेंटर जो स्टेट के और बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाते हैं। ये दोनों ही जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इससे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो इससे आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप वहाँ से कॉपी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। पेपर सेकंड की प्रिपरेशन के लिए भी मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये करियंत की बुक आती है, उपकार की बुक आती है, उसके अंदर पूरा सिलेबस दिया होता है, पूरे क्वेश्चन दिए होते हैं। आप उसको मार्केट से ऑनलाइन कैसे भी परचेस कर सकते हैं, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी बुक रहती है पेपर सेकंड के लिए। पेपर सेकंड से या फर्स्ट से रिलेटेड या इसके सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आइए आप बताते हैं जेई मेंस से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन। जेई मेंस का एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है। ये एग्ज़ाम साल में दो बार होती है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार अप्रैल में। दोनों टाइम का एग्ज़ाम फॉर्म अलग अलग भरना पड़ता है और फीस भी अलग अलग लगती है। फीस में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी गर्ल्स के लिए कम लगती है और जनरल कैटेगरी की बॉयज़ के लिए फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। और फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्म के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन बनता है जेई मेंस की एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो जो स्टूडेंट 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पास करने वाले छात्र हैं या पढ़ रहे हैं 12th में पीसीएम से पढ़ रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट जेई मेंस की एग्ज़ाम दे सकते हैं। जेई मेंस में कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब आप 12th में पढ़ रहे हैं या 12th के पढ़ने के बाद बिट 12th आफ्टर 12th आप इसको 3 बार एग्ज़ाम इसको दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, 2 टाइप में एग्ज़ाम होती है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब हम बात करते हैं जेई एडवांस की। पहले जेई की जो प्री एग्ज़ाम होती है उसको क्लियर करना पड़ता है, फिर आप उसको एडवांस दे सकते हैं। जेई की एडवांस एग्ज़ाम वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्हें प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। जेई की एडवांस की इंजीनियरिंग की तरह एग्ज़ाम होती है, मतलब सिलेबस वही होता है, वही पीसीएम आता है जो प्री एग्ज़ाम में आया था और वही फिर एडवांस में। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने जनवरी में एग्ज़ाम दिया, 11 जनवरी 12 जनवरी को आप एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो जो इसकी एडवांस एग्ज़ाम होती है उसकी 15 से 20 दिन बाद होती है। एडवांस एग्ज़ाम भी अगर आपकी निकल जाती है तो आप आईआईटी के कॉलेज में काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, आईआईटी के कॉलेज आप ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के और भी क्वेश्चन हैं, जेई एडवांस के लिए आवेदन कैसे करें। तो जेई मेंस के रिजल्ट आने के बाद, जेई मेंस के रिजल्ट के आने के बाद ऑनलाइन माध्यम से आप जेई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, जेई के एडवांस का पेपर पैटर्न कैसा होता है। जेई मेंस का जो प्री एग्ज़ाम होता है या एडवांस हो, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस आता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और ये एग्ज़ाम देश की कठिन एग्ज़ाम है, इसको क्लियर करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। और मैक्सिमम बच्चे जो रहता है उनकी प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है, पर मेंस की जो एग्ज़ाम होती है जिसको एडवांस एग्ज़ाम बोलते हैं वो बहुत ही कम स्टूडेंट की क्लियर होती है। आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लेने के लिए आपको जेई की प्री एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगी, एडवांस एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा और 12th में किसी भी बोर्ड से मिनिमम 75% आपका होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया जेई मेंस की एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें आपको एनआईटी आईआईटी और जीएफटी के कॉलेज मिलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में, इन सब कॉलेज में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम कठिन तो है, देश की टॉप एग्ज़ाम है, पर इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि आप इसकी प्रिपरेशन ना कर पाएँ। आज की वीडियो में केवल मैंने आपको सिलेबस बताया, उसके लिए कुछ टिप्स दी हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है इसमें, केवल क्लियर सिलेबस दिया है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।